और वेलकम बैक टू द चैनल। तो मेरी आज की वीडियो होने वाला है एक हॉल वीडियो और आज मैं आपके साथ मिनी सर शॉपिंग हॉल शेयर करने वाली हूँ। और आज की वीडियो एक ह्यूज शॉपिंग हॉल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ 20 to 21 प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ फ्रॉम मिनीसो। कोलकाता CC1 आई मीन सिटी सेंटर सॉल्ट लेक में एक नया मिनीसो की शोरूम ओपन हुआ है और उसमें मैंने विजिट किया था और मुझे कैसा लगा कलेक्शन उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लेती हूँ। पहले तो आपको वहाँ पे ढेर सारा कलेक्शन मिल जाएंगे, फ्रॉम परफ्यूम्स टू मेकअप आइटम्स, सॉफ्ट टॉयज, बैग्स, देन छोटा छोटा कुछ टूल्स आपको मिल जाएंगे और आपको स्मॉल पाउचेस मिल जाएंगे, आपको पिलो मिलेंगे, देन बहुत सारा प्रोडक्ट्स। एक्चुअली मैं बोल के भी ना खत्म नहीं कर पाऊंगी, ढेर सारा कलेक्शन था और प्राइसेस भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। मैंने वहाँ पे जो देखा है मिनिमम 90 रुपीज से प्रोडक्ट स्टार्ट होते हैं और क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इससे पहले मैंने दूसरा स्टोर पे विजिट किया था मिनीसो की, बट वहाँ पे ना मुझे कलेक्शन उतना अच्छा नहीं लगा था, बट जो CC1 की शोरूम है कलेक्शन इज सुपर्ब, ऑसम। आप जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, स्टोर अभी ओपन है तो आप स्टोर पे जाके विजिट कर सकते हो, इट्स अ मस्ट हैव, लाइक बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। तो मैं काम करती हूँ, मैं भी आपके साथ शेयर कर देती कि क्या क्या मैंने वहां से पिक किया है। सबसे पहले मैंने लिया है मिनीसो की कैंडल्स। नाउ अगर आप मिनीसो पे विजिट करो और उनका कैंडल्स ट्राई ना करो ऐसा नहीं हो सकता। उनका जो कैंडल्स होता है वो एकदम मस्ट हैव होता है। कैंडल्स की बहुत ही अच्छा कलेक्शन वहां पे आपको मिल जाएंगे 90 रुपीज से स्टार्ट करके 190, 150, 250 इतना प्राइस में आपको बहुत अच्छा अच्छा कैंडल्स मिल जाएंगे होम डेकोर के लिए। तो मैंने इस बार कुछ सेंटेड कैंडल्स ट्राई किया है, जैसे कि आप देख सकते हो स्मेल मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। मैंने ये एक पिंक कलर में लिया है फ्लावर डिजाइन और एक मैंने लिया है ऐसे ब्लू कलर में लव साइन का डिजाइन, ठीक है। दोनों का स्मेल बहुत ही डिफरेंट है और दोनों स्मेल मुझे बहुत अच्छा लगा, स्वीट स्मेल है। सेंटेड कैंडल से आप इसको घर में होम डेकोर के लिए यूज कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत स्मेल देगा ये। एक पैकेट की प्राइस है 90 रुपीज और एक पैकेट में आपको 6 कैंडल्स मिल जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने जब मिनीसो पे विजिट किया था तब मैंने वहां से ट्रैवलिंग बॉटल किट लिया था और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा एक हेल्पफुल चीज था। तब मैंने सोच लिया था कि मुझे और एक लेना है एंड दिस टाइम आई टुक दिस वन। ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें आपको ना थोड़ा सा बिग साइज का मिल जाते हैं, 3 छोटा छोटा कंटेनर मिलता है और यहाँ पे आपको स्प्रे के लिए मिलता है एक आपको शैम्पू के लिए मिलता है, इसमें आप कंडीशनर या फिर कोई शार्जल रख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉटल की क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है, आप इसको बैग में मेरी जगह रख सकते हो क्योंकि इसमें आपको स्टॉपर मिलता है, स्टॉपर अगर आप एक बार लगाते हो तो ये स्टॉपर खुलता नहीं है बहुत आसानी से। नेक्स्ट आपको ऐसे एक प्रे स्टॉप बॉटल मिलता है, इसमें आप शावर जेल भी रख सकते हो या फिर आप ऑयल रख सकते हो, जो आपको रखना है आप वही रख सकते हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आपको ऐसा एक टोनर का बॉटल मिलता है, उसके बाद नेक्स्ट आपको छोटा छोटा कुछ कंटेनर मिल जाते हैं जिसमें आप अपने मॉइस्चराइजर्स, आई क्रीम ये सब स्टोर करके रख सकते हो। ट्रैवल किट में आपको ऐसा एक स्पैचुला और ये ऐसा एक ट्यूब मिलता है जिसकी मदद से आप प्रोडक्ट को डाल सकते हो बॉटल में, एंड इस किट का जो प्राइस है वो है 190 रुपीज। मिनीसो पे आपको कॉटन पैड्स की एक बहुत ही अच्छा वैरायटी मिल जाता है, एक सेक्शन है जहाँ पे कॉटन पैड्स, फेशियल टिश्यूज, शीट मास्क ये सब मिलता है। तो मैंने वहां से ये पिक किया है, दिस इज मिनीसो सॉफ्ट कॉटन पैड्स 180 शीट्स है इसमें, एज यू कैन सी राइट हियर, आई होप दिस इज विजिबल ऑन कैमरा। तो इसका जो प्राइस है वो है 150 रुपीज और इसमें आपको 180 शीट्स मिल जाते हैं। इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास इससे पहले जो था ना उसमें अंदर से टिश्यूज बाहर निकल के आता है क्योंकि चारों तरफ वो खुला हुआ होता है तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बट इसमें आपको चारों तरफ ना ऐसे सील मिलता है तो अंदर से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। मिनीसो की सभी कॉटन पैड्स बहुत अच्छा होता है बट आप स्पेशल इसको ट्राई आउट करके देख सकते हो, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो नेक्स्ट मैंने एक नया प्रोडक्ट लिया है मिनीसो से जो मैंने आज तक कभी भी यूज किया नहीं है, ये है मिनीसो कॉम्प्रेस्ड फेशियल मास्क जिसमें आपको 40 पीसेस मिल जाते हैं। आई थिंक ये जो पॉकेट टिश्यू है वो है, पानी में आपको डुबाना पड़ता है और ये फूल जाता है और आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जो एक शेप किया हुआ है एवोकाडो का, इसमें आपको डोनट, देन स्ट्रॉबेरी ये सब बहुत वैरायटी में मिल जाते हैं एंड प्राइस कुछ सिमिलर ही था। इसका जो प्राइस था वो था 190 रुपीज़। एक काम करती हूँ मैं एक खोल के आपको दिखाती हूँ कि कैसा है प्रोडक्ट। तो अंदर आपको ऐसा एक छोटा सा पाउच मिलता है, एवोकाडो साइन दिया हुआ है ऊपर एंड इसको अगर मैं ओपन करती हूँ तो मैं एक काम करती हूँ मैं इसको पानी में भिगो के आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये कितना बड़ा होता है और कैसा है इसका क्वालिटी। पानी में भिगोने के साथ साथ ये इंस्टेंटली ओपन हो जाता है और ये एक शीट मास्क है। आई थॉट कि ये एक नॉर्मल फेशियल टिश्यू है बट दैट वाज अ शीट मास्क। तो आपको अगर शीट मास्क चाहिए तो इन दैट केस यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट, बट क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सॉफ्ट था ये।
तो नेक्स्ट मैंने ये लिया है एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों को ये पसंद आने वाला है, क्योंकि मैंने जब पहली बार देखा था इसको मिनीसो इंस्टाग्राम स्टोर पे, तभी मुझे लगा था कि मुझे ये चाहिए एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट इट एट सीसी वन और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये है टॉम एंड जेरी कलेक्शन की एक मिरर, ये एक हैंड मिरर है एंड कैन यू गेस द प्राइस, दिस इज ओनली ₹190। और मैंने जब प्राइस देखा था आई वॉज अमेज कि इतना कम प्राइस में ये मिल जाता है। तो मैंने सबसे पहले मैंने इसको ही पिक किया था। इसमें आपको दो कलर्स मिल जाते हैं, एक ब्राउन था और एक ये एश कलर था। नाइस, आई लव्ड इट। ये फुल रबर का बना हुआ है और बहुत ही अच्छा इसका क्वालिटी, मिरर की क्वालिटी एकदम एक क्लास है। आप इसमें मेकअप कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हो इसमें। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा एंड आई एम रियली लविंग द मिरर। मैं आपको 100% सजेस्ट करूंगी टू गो फॉर दिस प्रोडक्ट, बहुत ही ज्यादा अच्छा है इसका क्वालिटी। मिनीसो पे आपको पोर्टेबल मिरर, हैंड मिरर, स्टैंडिंग मिरर, देन कोम की बहुत ही अच्छा कलेक्शन मिल जाते हैं और प्राइसेस भी बहुत अफोर्डेबल है, 150-190 इतना ही है प्राइसेस। तो आप डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हो। जब भी आप मिनीसो पे एंटर करोगे आपको सबसे पहले जो दिखेगा वो है परफ्यूम, और परफ्यूम में वहां पे आपको ढेर सारा कलेक्शन मिल जाते हैं। इस बार मैंने इस परफ्यूम को पिक किया है, दिस इज मिनीसो फेयरवेल टू सी शोर परफ्यूम और दिस इज हाउ द इनर पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक। ये एक येलो कलर की कांच की बॉटल में आता है और स्मेल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एंड स्वीट स्मेल मुझे लगा। ये एग्जैक्ट स्मेल तो मैं बता नहीं पाऊंगी। इससे पहले मैंने मिनीसो बॉडी स्प्रे यूज किया है और वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर आप सुबह अप्लाई करते हो तो रात तक स्मेल रहता है, तो आई होप कि इसका स्मेल भी लॉन्ग स्टे करेगा। आपको ऐसे ना बहुत ही अच्छा अच्छा वैरायटी के परफ्यूम वहां पे मिल जाते हैं, आप अपने पसंद के अनुसार चूज कर सकते हो। इस परफ्यूम की जो प्राइस है वो है ₹360। ओके, तो नेक्स्ट मैंने लिया है मिनीसो डिओड्रेंट बॉडी स्प्रे, दिस इज इन लैवेंडर कलर। मैंने इससे पहले ऑरेंज शेड एंड पिंक शेड यूज किया है। मैंने CC1 पे जब विजिट किया मिनीसो शोरूम पे, तब मुझे इतना सारा कलर की ऑप्शन दिखा वहाँ पे एंड ईच कलर हैज डिफरेंट स्मेल। तो वहाँ पे ब्लैक था, ब्लू था, देन ऑरेंज, पिंक, लैवेंडर और भी बहुत सारा कलेक्शन था। इसका जो प्राइस है यू वोंट बिलीव, प्राइस सिर्फ ₹90 है एंड ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग स्टे करता है। अगर आप सुबह लगाते हो तो रात तक ये रहता है एंड आई जस्ट लव्ड इट। मैं स्मेल एकदम एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो ये भी मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ही लग रहा है। CC1 मिनीसो शोरूम पे आपको मेकअप सेक्शन में भी बहुत ही वैरायटी के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अगर आपको मिनीसो मेकअप ट्राई करना है तो सबसे पहले आप उनका नेल पॉलिश ले सकते हो। तो नेल पॉलिश में आपको वहाँ पे मिल जाएंगे बहुत ही अच्छे अच्छे कलरफुल नेल पॉलिशेस। ग्लिटर था और ग्लॉसी नेल पॉलिशेस था, मोस्ट प्रोबेबली तभी मैट अवेलेबल नहीं था। तो मैंने इस कलर को पिक किया है, ये एक डार्क पिंक कलर की नेल पॉलिश है। इसका जो शेड नेम है वो है 27, बहुत ही खूबसूरत एक डार्क पिंक कलर में है। ये फास्ट ड्राई भी होता है और आई होप ये लॉन्ग लास्ट भी करेगा। मैंने जब इसको टेस्ट किया था तब इट वाज ऑसम, द कलर वाज सुपर और बहुत ही जल्दी ये ड्राई भी हो गया था एंड प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है इसका क्वालिटी और आप इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। इसका जो नेम है वो है डार्क पिंक एंड शेड है वो है 27। नेल पॉलिश के बाद मैंने देखा कि वहां पे एक बहुत ही कलेक्शन था काजल की, तो वहां से मैंने पिक किया है स्मूथ लॉन्ग लास्टिंग काजल आईलाइनर एंड इट वाज इन द शेड 02 ब्राउन। इसमें ग्रीन एंड ब्लैक, ब्लू, ये सब शेड भी अवेलेबल था बट मुझे लगा कि मैं ब्राउन कलर को ट्राई करके देखती हूँ। तो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक, स्वॉच करके मैं दिखाती हूँ। Nice. तो ये बहुत ही स्मूथ है, सॉफ्ट है एंड एक स्वाइप पे ही आपको बहुत अच्छा पिगमेंटेशन मिल जाते हैं, एज यू कैन सी राइट हियर। ये प्रोडक्ट स्मच प्रूफ भी है और ये लॉन्ग लास्टिंग है, तो आई होप मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने अभी तक इसको ट्राई आउट नहीं किया है एंड इसका जो प्राइस है वो है सिर्फ ₹160 एंड आई थिंक आप इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो अगर आप मिनीसो पे विजिट कर रहे हो तो। तो उसके बाद मैंने देखा कि मिनीसो पे ना कुछ लिपस्टिक की भी कलेक्शन था, कुछ लिक्विड लिपस्टिक था और स्टिक लिपस्टिक भी था। तो स्टिक लिपस्टिक से मैंने ये एक लिया है, फ्लॉलेस मैट लिपस्टिक, लेट मी ओपन दिस। ओके, सो दिस इज हाउ द पिगमेंटेशन इज। ये एक वाइन कलर में है एंड आपको ऐसे और भी बहुत अच्छा अच्छा कलर मिल जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग एक लिपस्टिक है, ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, वाटर प्रूफ नहीं है। ये नॉर्मल जो लिपस्टिक होता है स्टिक लिपस्टिक वैसा ही है बट कलर पे ऑफ बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। आपको ऐसे और भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में मिल जाएंगे, पिंक में था, रेड में था बट मैंने ये वाइन कलर चूज किया है। आई एम रिपीटिंग द शेड वंस मोर, द शेड नंबर इज 03 एलिगेंस रेड एंड इसकी जो प्राइस है वो है सिर्फ ₹160।
सिर्फ स्टिक लिपस्टिक ही नहीं, आपको वहाँ पे लिक्विड लिपस्टिक की भी बहुत अच्छा कलेक्शन मिल जाते हैं। मीशो पे आपको काजल लिपस्टिक के साथ साथ आईलाइनर भी मिलते हैं और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट शेड में आपको मिल जाते हैं। मैंने एक ब्लू शेड पिक किया है। दिस इज द इनर पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। इसके एप्लीकेटर बहुत अच्छा है, आप बहुत ही प्रिसाइजली अप्लाई कर सकते हो आईलाइनर को। एंड द कलर इज वेरी नाइस, ये एक इलेक्ट्रिक ब्लू कलर में है। मैंने अभी तक इसको आईज में अप्लाई नहीं किया है, बट हाथ में लगा के मुझे जो लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा होगा। पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथली अप्लाई हो गया था। ऑल्सो 10 to 15 seconds के अंदर ये अच्छे से ड्राई हो जाता है और उसके बाद ये एकदम स्मच प्रूफ हो जाता है। एंड आई होप कि ये लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। इसमें डिफरेंट शेड्स अवेलेबल है, तो आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हो। इसका जो प्राइस है वो है 150 rupees। अगर आप विजिट कर रहे हो तो आपको शीट मास्क जरूर ट्राई आउट करना चाहिए उनसे। प्राइसेस है सिर्फ 60 rupees एंड आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिल जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी मैंने लिया है और मैंने क्यूकम्बर फ्लेवर लिया है। इससे पहले भी मैंने 4-5 और ट्राई आउट किया है वेरिएंट्स और सभी बहुत मुझे अच्छा लगा। आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से और आपको अगर कुछ इशू है फेस में तो आप अपने फेस इशू के हिसाब से शीट मास्क चूज कर सकते हो। मिनीसो पे आपको टूल्स की एक सेक्शन मिल जाते हैं, तो उस सेक्शन से ही मैंने एक आईब्रो ट्वीजर लिया है, क्योंकि मैं कभी कभी घर पे कर लेती हूँ आईब्रो प्लक, तो इसके लिए ट्वीजर बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे ये ट्वीजर बहुत अच्छा लगा, ग्रिप बहुत अच्छा है एंड आईब्रो जो है ना आप बहुत अच्छे से पकड़ सकते हो एंड देन आप खींच सकते हो, एक बार में ही आप निकल सकते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला ट्वीजर। प्राइस जो है वो है 190 rupees। आपको सिर्फ ट्वीजर ही नहीं और भी बहुत सारा टूल्स मिल जाते हैं, सब मैं यहाँ पर नहीं दिखा पाऊंगी वीडियो पे, तो इसके लिए आपको जरूर जाना पड़ेगा मिनीसो शोरूम पे, जो आपको CC1 सिटी सेंटर 1 सॉल्ट लेक पे मिल जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट मैंने थोड़ा सा ब्यूटी कैटेगरी से हटके कुछ लिया है, जो है ब्रश की सेट। मुझे वहाँ पे टूथब्रश की भी काफी अच्छा वैरायटी देखा, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए है। एंड ये मैंने लिया है 3 ऐसे ब्रश की सेट, मैंने इसको घर के लिए लिया है बेसिकली। ये है एंटी स्लिप हैंडल फाइन एंड सॉफ्ट ब्रिसल्स। मैं ऑलवेज कैप वाला जो ब्रश है वही लेती हूँ, और तो ये कैसे वर्क करेगा वो मुझे तो अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया है, तो मैं आपके साथ जरूर बाद में शेयर कर दूंगी। मिनीसो पे आपको एक्सेसरीज की एक सेक्शन मिल जाते हैं एंड वहाँ पे ऐसा भी कुछ प्रोडक्ट्स था जो मैंने कभी भी नहीं देखा था, तो कुछ न्यू गैजेट्स भी वहाँ पे अवेलेबल था। तो वहाँ से ही मैंने लिया है एक कॉस्मेटिक एक्सेसरी जो है क्लींजिंग फेशियल पफ सेट। नाउ मैंने इसको इससे पहले तो कभी भी नहीं देखा था एंड ये कैसे यूज करना है वो भी मुझे जानना जरूर है। ये है रिच फोम क्लींजिंग फेशियल पफ सेट। तो बेसिकली आपको नेट के अंदर इसको रखना है एंड इसके ऊपर आपको क्लींजर डालना है एंड ऐसे ही आप अपने फेस को, नेक को क्लीन कर सकते हो। तो ये बेसिकली मुझे जो लग रहा है फेस क्लींजर की तरह काम करेगा, फेस स्क्रबर की तरह काम करेगा। तो इसका जो प्राइस है वो है 200 rupees। मिनीसो इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन पे भी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, लाइक ईयरफोन, हेडफोन, फोन स्टैंड, देन वॉचेस मिल जाते हैं, ऑल्सो आपको USB केबल मिलते हैं। यू कैन डेफिनेटली विजिट हियर टू चेक इट आउट। ये जो ईयरफोन है प्राइस है 190 rupees। मैंने अभी तक ईयरफोन तो ट्राई नहीं किया है, बट दिस टाइम आई गॉट अ फोन स्टैंड। फोन स्टैंड बहुत ही अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया है, ये जो है बहुत ही स्टडी है, फोन को अच्छे से होल्ड करता है। प्राइस है सिर्फ 260 rupees एंड प्राइस के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला प्रोडक्ट। मैंने आपके साथ मोस्टली सभी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी शेयर किया है, अभी सिर्फ एक प्रोडक्ट ही बाकी है जो कि एक पर्स है। तो मिनीसो पे आपको एक सेक्शन मिलेंगे जहाँ पे स्लिंग बैग, नॉर्मल जो शोल्डर बैग होता है वो, पर्स, देन कॉइन पाउच, छोटा छोटा पाउच, ये सब आपको मिलेंगे। तो वहाँ से ही मैंने पिक किया है एक बहुत ही सुंदर क्लासिक ब्लैक कलर की पर्स, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एंड आई थॉट कि चलो मैं एक ले ही लेती हूँ। तो पर्स जो है वो बहुत ही स्पेशियस है, आप इसके अंदर अपने कार्ड्स रख सकते हो, मेट्रो कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, सब कुछ रख सकते हो, कैश रख सकते हो, अंदर आप यहाँ पे कॉइन्स रख सकते हो, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। सेम पाउच में आपको कुछ डिफरेंट कलर्स भी मिल जाते हैं, आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हो। इसका जो प्राइस है वो है 500 rupees। स्पेशली ये जो चेन है, चेन के लिए ये बैग और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है एंड मुझे ये बैग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है और मैं आपको भी हाईली रिकमेंड करूंगी। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज हॉल। मैंने यही कुछ लिया है दिस टाइम फ्रॉम मिनीसो और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। स्पेशली CC1 की जो कलेक्शन था दैट वॉज ऑसम, और बहुत ही अच्छा आपको कलेक्शन मिल जाते हैं। एंड अगर आपको अच्छा लगा ये वाला वीडियो देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट इट डाउन कि आपको कैसा लगा और इसमें से, इस हॉल में से आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, प्लीज लेट मी नो अबाउट इट। एंड अगर आप नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, या फिर अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हो बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन अलॉन्ग विद द बेल आइकन, ताकि आपके पास मेरे सब नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलो आज की इस वीडियो को
मैं यहीं पे ही खत्म करूंगी और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय।